एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय सुरभि कपूर। सो गाइस, दिस इज़ आवर सेकंड वीडियो ऑफ द चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पहले कवर कर चुका है, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर नहीं देखा तो पहले वो देखो फिर यहाँ पे वापस आना। सो अभी तक हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में कवर करा था कि किस तरीके से सलीम और स्वप्ना दो अलग अलग बंदे थे जिन्होंने हमारे पास क्या करा था, अलग अलग तरीके से लोन लिया था और अलग अलग मोटिव से लोन लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि हमें हमारे सोर्स ऑफ लोन्स कहाँ कहाँ से अवेलेबल होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, और कौन कौन इसमें हमारे पास आते हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ हमारे पास वराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स बोले तो कि कहाँ कहाँ से हम लोग लोन ले सकते हैं। द फर्स्ट इज लोन फ्रॉम द मनी लेंडर। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, छोटा सा हमारे पास एक हमारे विलेज में एक लैंडलेस लेबर का ले लो या स्मॉल फार्मर का ले लो, एक्स विजिट किसी का भी ले लो, तो हमारे पास यहाँ पे था लोन फ्रॉम द मनी लेंडर्स। हम क्या करते थे, मनी लेंडर्स से यहाँ पे फार्मर्स पैसा उधार ले सकते थे। अब इसके बदले में जैसे स्वप्ना ने लिया था, इसके बदले में क्या हुआ, यहाँ पर मनी लेंडर ने उनकी प्रॉपर्टी अपने पास मोर्टगेज रखी और इनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं बहुत हाई होते थे। टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा नहीं है, बट हाँ ये क्या करते थे, उन लोगों का बुद्धू बना दिया करते थे, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनसे क्रेडिट लिया करते थे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास लोन फ्रॉम ट्रेडर्स। जैसे हमने बात करी थी हमारे यहाँ पे किसकी, हमारे पास हमारे सलीम की। सलीम ने क्या करा था, लेदर मर्चेंट से उसने क्या लिया था, लोन लिया था। ऐसे ही स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं कि इन्होंने जब किसी को लोन, जिसको इन्होंने अपनी क्रॉप्स बेचनी है, ये उसको कहेंगे कि बाऊ जी सीड्स के लिए पैसा चाहिए, फर्टिलाइजर्स के लिए पैसा चाहिए, तो ये उन लोगों से ट्रेडर्स से भी पैसा उधार ले लेते हैं। जो इसके बदले में क्या करते हैं, इनको दे तो देते हैं उधार में पैसा, पर इनके क्रॉप्स जो है वो बहुत सस्ते में लेकर खुद आगे में महंगा बेचते थे, तो इनके प्रॉफिट्स उसमें फिर मिनिमाइज हो जाते हैं हमारे पास। द नेक्स्ट इज लोन फ्रॉम द बैंक। बैंक जो है, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स एक हमारे पास फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। यहाँ पर हमें धोखेबाजी होने के चांसेस बहुत कम रहता है यहाँ पर। बट जैसे लोन फ्रॉम बैंक, लोन तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, बट इनकी बहुत हाई डॉक्यूमेंटेशंस रहती हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जिसकी वजह से कई बार हमारे फार्मर्स या हमारे इलिटरेट पर्सन्स उसमें बिलीव नहीं करते थे। वो क्या सोचते थे कि भाई अगर मैं बैंक को अपने कागज़ दे दूँ और ये कहीं भाग जाए मेरे कागज़ लेके, तो ऑल्दो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत सॉर्टेड है यहाँ पर, इनका यहाँ पे फ्रॉड आने के चांसेस बहुत कम थे, बट कहीं ना कहीं गांव के लोगों को इन पे पूरा भरोसा नहीं होता था। द नेक्स्ट इज माई लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। सपोज करो फार्मर्स 15 फार्मर्स इस गांव के, 15 फार्मर्स उस गांव के, 15 फार्मर्स आपके गांव के, तीनों गांव के फार्मर्स ने मिलके क्या करा, यहां पर अपना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली जिसमें बहुत सारे मेंबर्स ऐड हो गए, और इन्होंने अपने ही मेंबर्स को जब ज़रूरत पड़ी उसे क्या दिया, यहाँ पर लोन दे दिया, और बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो लोन दिया। सो ये तो हमारे पास बहुत बेनिफिशियल रहा, बट कई बार ऐसा होता था कि सामने वाला बंदा शायद एलिजिबल ना हो, वो इतना पैसा ना दे सके, तो वो उस कोऑपरेटिव का मेंबर नहीं बन पाता था। द नेक्स्ट इज लोन फ्रॉम द एम्प्लॉय। अगर सपोज स्मॉल फार्मर किसी लार्ज फार्मर्स के अंडर काम कर रहा है तो वो उनसे पैसा उधार में ले लिया करता था, बट इस चीज़ में क्या होता था, उन फार्मर्स का एक्सप्लोटेशन बहुत ज़्यादा होता था, उन्हें लगता था कि हाँ भैया तेरे घर में तेरी बेटी की शादी है, ले तुम्हें ऐसे 5 लाख रुपए ले ले उधारी, ठीक है दे तो दिया, बट उसको फार्मर को ज़बरदस्ती उस एम्प्लॉयर के अंडर कम वेजेस में भी काम करना पड़ सकता था। मतलब अब मान के चलो कि भैया पूरी की पूरी गर्दन जो है वो इनके हाथ में आ गई है, ये अपनी मर्जी से उसे एक्सप्लॉयट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, हम कहाँ कहाँ से पैसा उधार ले सकते हैं। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये हमारे पास फर्दर डिवाइडेड है हमारे पास फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स में। फॉर्मल सेक्टर हमारे पास वो सेक्टर होता है जहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज चाहिए होती हैं, दैट इज़ जैसे हमारा बैंक से अगर लोन लेना है तो बैंक में हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मल सब चीज़ें हमें यहाँ पे करनी पड़ेंगी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज़ अ सेंट्रल बैंक ऑफ आर इंडिया, ये पूरी की पूरी गाइडलाइंस देते हैं कि आपको कैसे कैसे काम करते हुए चलना है। बैंक्स, इनके टर्म्स एंड कंडीशंस सेम रहेंगी,
इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहने वाला है कांस्टेंट हमारे पास। इन्होंने अगर कुछ कोलेट्रल लेना है तो अपने पास लेना ही है। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशंस हाई रहती है जिसकी वजह से कई बार बैंक में जो जिसकी वजह से कई बार हमारे जितने भी स्मॉल फार्मर्स या अदर पीपल होते हैं वो इसमें बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं यार मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या गिरवी रख के लोन लूँगा। तो जिसकी वजह से वो लोग यहाँ तक पहुँचने में बिल्कुल फेल हो जाते हैं। कोऑपरेटिव्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल्स हमारे पास हैं जैसे कि नबार्ड हो गया, ठीक है, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे हमारे कुछ रूरल हमारे कुछ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो लोगों को पैसा उधार में देते हैं। बट येस, इन लोगों की फॉर्मेलिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा रहती हैं एज़ कम्पेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट्स में हमारे पास कौन कौन से होते हैं? हमारे फार्मर्स, रिलेटिव्स, मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, ये सारे। मतलब कि ये आपसे बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस की बात तो नहीं करेंगे, हाँ, बट इनका कुछ नहीं पता। ये आपको सपोज इन्होंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया 8% पे कि भाई ले 8% पे तू मेरे से पैसा उधार ले ले, बट इसने कह दिया भाई अकल से जो है 10% के अकॉर्डिंगली क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पर। तो इनका कुछ भी दीन ईमान नहीं होने वाला, ये कहीं भी आपको डिच कर सकते हैं। फ्रेंड से पैसा लिया, फ्रेंड को कहा कि भैया यार मुझे 5 महीने के लिए पैसा चाहिए, फ्रेंड ने कहा हाँ यार ले ले कोई चक्कर नहीं है, बट क्या हुआ फ्रेंड ने 3rd महीने में आपको मैसेज कर दिया कि भाई मुझे पैसे चाहिए, मेरे पैसे वापस कर दे। तो अब तुम क्या करोगे कि अब कहाँ जाओगे, अब कहाँ से लाओगे पैसा? सो इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट हमारे पास कुछ ऐसे रहते हैं। अगर मैं बात करूँ इन दोनों के डिफरेंस की, पेपर में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, यहाँ पे कोलेट्रल रखना पड़ता है, यहाँ पे कोलेट्रल लीगल नहीं होता है हमारे पास। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफिक होती हैं, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफिक नहीं होती हैं। इसका क्रेडिट स्पेसिफिक, टाइम ड्यूरेशन सब कुछ स्टैटिक होती है, इसमें रिजिड होती है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे तो कुछ भी चेंजेस आया तो सरकार ने चेंज करा तब चेंजेस आए, यहाँ पर कोई चेंज आया इनका मन करा तो उन्होंने यहाँ पे चेंजेस लॉन्च कर दिए हमारे पास। तो ये होता है हमारे पास फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। आपकी एनसीईआरटी में आपको एक पाई चार्ट गिवन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे क्या शो कर रखा है अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें इन्होंने हमें यहाँ पे शो करा हुआ है कि अलग अलग सेक्टर्स जहाँ पर हमारे पास मतलब आज के टाइम पे कितना बंदा कहाँ से कितना कितना पैसा उधार लेके चल रहा है हमारे पास। तो ये है हमारे पास कुछ पाई चार्ट्स में जिसमें हमारे पास हमने डिफरेंट परसेंटेज देखी यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव्स की तरह ही होता है। जैसे सपोज आपकी मम्मी लोग ने कमेटी तो डाली होगी कहीं ना कहीं, है ना, कि भैया महीने का 1000 रुपये हम आपको देंगे और जब वो महीने जिसको जरूरत होती है जिस महीने वो उससे वहाँ से पैसा उधारी में वापस ले लेते हैं यहाँ पर। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कुछ ऐसे ही होता है हमारे पास। यहाँ पे 20 to 25 मेंबर्स इस ग्रुप में आते हैं सारे के सारे, और वो डेली बेसिस पे अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जो है देते हैं, ठीक है। अगर गांव की बात करें जो बहुत ही पुअर पीपल होते हैं वो 20 रुपये 25 रुपये 100 रुपये वो क्या करते हैं यहाँ पर डिपॉजिट करते हुए चलते हैं, और जिसको जब ज़रूरत होती है कि भैया इस महीने लता को ज़रूरत है तो लता को दे दिया, इस महीने शिखा को ज़रूरत है तो शिखा को दे दिया, इस महीने किसी और को ज़रूरत है तो उसको दे दिया यहाँ पे। तो ये ऐसे ऐसे करके हमारा पूरा का पूरा सिस्टम इसका लॉन्च चलता रहता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक तो हम सारे आसपास के बंदे कोई किसी को डिच करके नहीं जाने वाले हैं। वुमेन को इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, वुमेन ने अपना बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप अपना खुद सेल्फ स्टैंड लेना उन्होंने स्टार्ट किया, इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट करा इन कॉपरेट इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की वजह से। और साथ ही साथ में हमारे पास इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत मिनिमम रहता है अगर होता है तो, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का सिस्टम। सो गाइस, 3rd चैप्टर मनी एंड क्रेडिट पूरा हो चुका है। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो भैया बेफिक्र होके कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को छोड़ देना, सून आई विल रिप्लाई यू। और अगर कमेंट सेक्शन में नहीं छोड़ पा रहे हो या मैं वहाँ रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ तो फॉलो माई इंस्टाग्राम चैनल और आप वहाँ पे भी अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे भी आप अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो। तो गाइस 3 ऑप्शंस आपको मिल गए, टेलीग्राम, इंस्टा, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन बॉक्स। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द फर्दर अपडेट्स। थोड़ा सा अपने दोस्तों का भी भला कर दो, उन्हें भी बोलो पढ़ लें भाई।